Oh my god. बॉस जी या तुसी पानी विचों कीता दरवाजा लकी थी तुसी पानी ना सी पानी पहले ठीक है ये जी इंपेलर की सील है जो पानी बाहर निकलने से रोकती है जब मोटर चलती है तो ये वाली सील होती है तो पानी बाहर निकलने से रोकती है जब ये ख़त्म हो जाती है तो फिर पानी बाहर आना शुरू हो जाता है तो यहाँ से और ये जब इंपेलर चलता है तो ये रगड़ खाती है देसी तरीका बैरल निकालने का ये दो बैरंग है एक 1204 का और एक जो है 1803 का बैरंग है ये बिल्कुल दोनों डेड हो गए हैं ख़त्म हो गए हैं जिसकी वजह से मोटर जाम हो गई थी और आवाज़ दे रही थी बहुत ज़्यादा तो अभी ये दोनों नए चेंज करेंगे तो फिर मोटर दोबारा से जो है ना अपनी सही हालत में आ जाएगी ये सील की हड्डी होती है जिससे जो है ना मोटर जिसके साथ सील डबल खाती है ये न्यू बैरिंग है जो अभी हम डालने लगे हैं ये 1803 का और ये 4 का ये दोनों इसमें अब न्यू डालेंगे चेंज कर देने ये देखो ये इसका चैन है ये चैन है खत्म हुआ है जिस टाइम यहाँ पे ये टापा लगाया जाता है तो चैन इस जगह पे आ जाता है यहाँ से फिर जो है ना पानी बाहर नहीं आता ये चैन सिर्फ ये काम करता है कि यहाँ से जो पानी बाहर आता है उसको रोकने का काम करता है ये वाला चैन ये भी देखें पहले फिटिंग हो गई है ये देखें यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ये सील बिल्कुल उसके साथ जाके बैठ गई है Thank you.
देखिए जी, एक साइड इसकी फिटिंग हो गई, अब ये मोटर वाली साइड रह गई, ये साइड हमने फिट करनी है इसकी। जो दोस्त हमारे चैनल पर नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो उनको मिल सके। टेक्निकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी दोस्त इस चैनल पर नहीं हुए। अगर कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो आपके माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट करके, कमेंट के जरिए। ये देखिए जी, ये बैरिंग इसके चेंज हो गए हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल न्यू। ये देखें व्यूअर, हमने बैरिंग मोटर के चेंज कर दिए हैं, हमारी मोटर बिल्कुल तैयार हो गई। अब इसकी दोबारा हमने फिटिंग भी कर दी है, फिटिंग करके बिल्कुल मोटर तैयार हो गई है। अब इसको चलाएंगे, चला के टेस्ट करेंगे और इसका साउंड चेक करेंगे कैसा इसमें साउंड अब आ रहा है। ये देखिए तार लगाने लगे हैं और ये अब मोटर की आवाज़ थी बिल्कुल इसका।